हेलो, गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट्स को। और अपने जो अपने पशु देख रहे थे, राज्य पशु, उसके अंदर अपने चिंकारा और ऊंट की बात कर चुके थे, और ऊंट के अंदर कुछ पॉइंट्स बचे थे जिनकी अपने बातें आज वाली क्लास के अंदर अपने करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं टॉपिक के ऊपर। ऊंट जो है वो अपना राज्य पशु है। ठीक है, कब इसको राज्य पशु बनाया गया उनके बारे में सब चर्चाएँ अपने कर चुके हैं। उसके बाद में अपने बात कर रहे थे कि सबसे अधिक ऊंट जो है वो कहाँ पर पाए जाते हैं। सबसे अधिक ऊंट राजस्थान के अंदर, अगर बात करें कि राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा ऊँट कहाँ पाए जाते हैं। तो राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा ऊँट कहाँ पाए जाते हैं, जैसलमेर के अंदर पाए जाते हैं। किसके अंदर पाए जाते हैं, जैसलमेर में सबसे ज़्यादा ऊँट पाए जाते हैं। और बात कर लें कि सबसे कम कहाँ पर पाए जाते हैं, तो कम पाए जाते हैं प्रतापगढ़ जिले के अंदर। कहाँ पर पाए जाते हैं, प्रतापगढ़ जिले के अंदर क्या पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा है जैसलमेर, कम है प्रतापगढ़ जिले के अंदर। ठीक है, यहाँ तक अपने बात कर ली थी, इससे आगे अपने कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में अपने बात कर रहे थे कि ऊँटनी का दूध जो है उससे दही नहीं बनता। ऊँटनी का जो दूध होता है उससे क्या नहीं बनता, ऊँटनी का जो दूध है, या ऊँट का अपने ऊँटनी लिख दें, ऊँटनी का दूध। ठीक है, ऊँटनी के दूध से क्या नहीं बनता, दही जो है वो नहीं बनता। क्या नहीं बनता, दही नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, रीजन क्या है, क्योंकि कैल्शियम आयन जो होता है वो मुक्त अवस्था के अंदर पाया जाता है। मुक्त अवस्था में, किसके अंदर, मुक्त अवस्था में, ऊँटनी के दूध के अंदर मुक्त अवस्था में कैल्शियम आयन पाए जाने के कारण ऊँटनी का दूध जो है वो नहीं जमता। क्लियर है, उसके बाद में अपने बात करते हैं, ऊँटनी का दूध नहीं जमता। ऊँट अनुसंधान केंद्र से क्वेश्चन उठा लेता है कि राजस्थान के अंदर, या सीधा ही पूछे कि ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है। ऊँट अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तो ऊँट अनुसंधान केंद्र है बीकानेर के अंदर, जहाँ पे जगह का नाम है जोहड़ बीड़ बीकानेर के अंदर क्या है, ऊँट अनुसंधान केंद्र है। वहीं पर क्या है, बीकानेर के अंदर केमल मिल्क डेयरी बनाई गई है। ठीक है, केमल मिल्क डेयरी बनाई गई है कहाँ पे, बीकानेर के अंदर केमल मिल्क डेयरी का निर्माण भी कहाँ पे किया गया है, बीकानेर के अंदर किया गया है। अब बात करें केमल यानी ऊँट, मिल्क उसका दूध है, तो ऊँटनी का जो दूध होता है वो किसके लिए बढ़िया माना गया है, तो जो मधुमेह के रोगी होते हैं, मधुमेह यानी शुगर, मधुमेह रोग को क्या बोलते हैं, शुगर बोलते हैं। या अपने बात कर लें कि लीवर से संबंधित जिसको बीमारी होती है, लीवर या यकृत से संबंधित जिसको क्या होती है, बीमारी होती है। ठीक है, उन सभी को, उनको अपने क्या बोल देते हैं, उनके लिए ऊँटनी का दूध जो है वो अच्छा है। उसके बाद में और क्या, पलिया जिसकी खराब हो रखी है, पलिया क्या होती है, स्प्लीन, जिसको क्या बोलते हैं, स्प्लीन बोलते हैं, या इसी को आम भाषा के अंदर क्या बोलते हैं, तिल्ली बोलते हैं ना कि उस फलाने आदमी की तिल्ली खराब हो गई है। तिल्ली यानी ये क्या करती है, अपनी आरबीसी का कब्रिस्तान है। तो इनसे संबंधित अगर किसी को कोई रोग हो रखे तो उनके लिए ऊँटनी का दूध जो है वो रामबाण सिद्ध होगा। ठीक है, और ऊँटनी के दूध जो है वो दही नहीं बनाता, या ऊँटनी का दूध जो है वो दही के रूप में नहीं जमता। क्यों नहीं जमता, क्योंकि ऊँटनी के दूध के अंदर कैल्शियम आयन जो है वो मुक्त अवस्था के अंदर पाया जाता है। क्लियर होगी, सबसे ज़्यादा ऊँट कहाँ पर पाए जाते हैं, जैसलमेर के अंदर। सबसे कम ऊँट पाए जाते हैं प्रतापगढ़ के अंदर। ऊँटनी के दूध के अंदर दही नहीं जमता, कैल्शियम आयन मुक्त अवस्था में। ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, जोहड़ बीड़ बीकानेर के अंदर है। केमल मिल्क डेयरी भी कहाँ पे बनाई गई है, ऊँटनी के दूध की डेयरी, बीकानेर के अंदर। और ऊँटनी का दूध जो है वो किन रोगियों के लिए रामबाण है, वो है मधुमेह या शुगर के रोगियों के लिए, या अपने बात करें लीवर या यकृत के रोगियों के लिए, या बात करें पलिया या स्प्लीन या तिल्ली के रोगियों के लिए। इनसे संबंधित किसी को रोग हो रखे हैं तो ऊँटनी का दूध उनके लिए फायदेमंद हो सकता है। और अभी अपने पढ़ रहे हैं ऊँट यानी अपना पढ़ रहे हैं राज्य पशु पढ़ रहे हैं। ठीक है, और इसके बारे में इंपॉर्टेंट बातें करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं इसको रफ कर दूं, और इसके बारे में क्या क्या क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। ठीक है, हाँ, और देखने हैं कि ऊंट जो है वो सवारी के लिए कहाँ के प्रसिद्ध हैं। ठीक है, और कहाँ के प्रसिद्ध, सुंदरता के लिए जो है वो कहाँ के प्रसिद्ध हैं। तो मैं आपको बता दूँ, नाचना जो है जैसलमेर का क्या है, नाचना क्षेत्र है जैसलमेर में
नाचना जैसलमेर के ऊँट जो होते हैं वो सबसे सुंदर माने जाते हैं। नाचना जैसलमेर के जो ऊँट है वो सबसे क्या माने जाते हैं, सुंदर माने जाते हैं, सबसे सबसे सुंदर ऊँट। ठीक है, ये भाई सुंदर ऊँट है सबसे, कौन से, नाचना जैसलमेर वाले। और इनका उपयोग जो है वो BSF के जवान भी करते हैं। किसके जवान करते हैं, BSF के जवान जो है वो इनका यूज भी करते हैं। ठीक है, BSF के जवानों के लिए यूज आने वाले ऊँट जो है वो कौन से हैं, नाचना जैसलमेर के जो सबसे ज़्यादा सुंदर ऊँट भी माने जाते हैं। उसके बाद में सवारी के लिए बात करें तो सवारी के लिए ऊँट, ठीक है, सवारी के लिए कौन से ऊँट जो है वो प्रसिद्ध हैं, सवारी के लिए कौन से ऊँट जो वो प्रसिद्ध हैं, तो मैं बता दूँ आपको फलोदी। ठीक है, और फलोदी कहाँ पड़ता है, फलोदी पड़ता है जोधपुर के अंदर, फलोदी कहाँ पड़ता है, जोधपुर में पड़ता है। तो जोधपुर का जो फलोदी है वहाँ पे एक ऊँटों की नस्ल जो है वो फेमस है, जिसको बोलते हैं गोमट नस्ल। क्या बोलते हैं, गोमट नस्ल। ये ऊँट की कौन सी नस्ल है, गोमट नस्ल है, और फलोदी क्षेत्र के अंदर ये गोमट नस्ल के ऊँट जो है वो ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए गोमट नस्ल के ऊँट फलोदी क्षेत्र के अंदर सवारी के लिए प्रसिद्ध है। सवारी के लिए पूरे राजस्थान के अंदर क्या, पूरे विश्व के अंदर प्रसिद्ध हैं गोमट नस्ल के ऊँट जो है वो सवारी के लिए। ठीक है, सवारी चाल चलते हैं बढ़िया, मीडियम चाल चलते हैं और झटके वगैरह कम देते हैं। ठीक है, तो हर किसी को ऊँट के ऊपर बैठना भी नहीं आता। ठीक है, तो ऊँट जो होता है वो, आपने कहावत भी सुन रखी होगी कि ऊँट जो होता है वो दो बार बैठता है। सेठ जी बोलते हैं कि, सेठानी बोलती है कि ऊँट जो है आपका दो बार बैठता है, क्योंकि पहले से आगे झुकता है फिर पीछे की ओर झुकता है, तो सामने आगे झुकता है तब सामने वाले को लगता है कि हाँ पूरी तरह से बैठ गया है, पीछे की ओर झुकता है तो सामने वाले ने शरीर ढीला छोड़ा और पीछे नीचे। तो ठीक है भाई, ऊँट दो बार बैठता है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद बात करते हैं, ठीक है, सवारी के लिए हो गए। उसके बाद में अपने गंगा सिंह जो थे, महाराजा गंगा सिंह, ठीक है, उन्होंने क्या की थी, चीन के अंदर एक सेना भेजी थी। ठीक है, तो चीन के अंदर ऊँटों की पूरी सेना गई थी, जिनको उन्हीं के नाम से गंगा सालगन नाम से उनको जाना गया। ठीक है, उसकी बात अपने थोड़ा सा आगे बढ़ के करेंगे। उसके बाद में ऊँट के अंदर जो कला की जाती है, आपने देखा होगा ऊँट की जो चमड़ी होती है उसके ऊपर बहुत सारी डिजाइनिंग बनाते हैं। ठीक है, डिजाइनर होते हैं। अभी तो आजकल ऊँटों के ऊपर, चमड़ी के ऊपर जो डिजाइनिंग कम होने लगी है, क्योंकि वो उस्त कला नहीं बची है, तो उसको अपने उस्ता कला बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, उस्ता कला। यहाँ पे लिखता हूँ मैं, उस्ता कला। उस्ता कला क्या है, ऊँटों की चमड़ी पर, किसकी चमड़ी पर, ऊँट की चमड़ी पर, चमड़ी पर डिजाइन करना, डिजाइन करना, ऊँट की चमड़ी पर डिजाइन करने की कला को क्या कहते हैं, उस्ता कला कहते हैं। और इस उस्ता कला के प्रसिद्ध कलाकार कौन से थे, इसके प्रसिद्ध कलाकार थे हिजामुद्दीन। कौन से थे, हिजामुद्दीन थे। कहाँ के थे, बीकानेर के थे, बीकानेर। हिजामुद्दीन जो थे वो बीकानेर के उस्ता कला के प्रसिद्ध कलाकार थे। ठीक है, और ऊँट की चमड़ी के ऊपर डिजाइन करना क्या कहलाता है, उस्ता कला कहलाता है। और इस उस्ता कला को लेके कौन आया था राजस्थान के अंदर, तो राजस्थान के राजा थे जिनका नाम क्या था, अनूप सिंह। अनूप सिंह जो होते हैं वो उस्ता कला को क्या लेके आए थे, उस्ता कला को क्या राजस्थान के अंदर लेके आए थे। और इस कला का प्रसिद्ध कलाकार किसको माना गया है, निजामुद्दीन को माना गया, हिजामुद्दीन को। और ठीक है, और ऊँट की चमड़ी के ऊपर डिजाइन करने को क्या बोलते हैं, उस्ता कला बोलते हैं। ठीक है, तो ये ऊँट के इंपॉर्टेंट में कुछ टर्म है जो कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती है, ये आप इसका ले लो स्क्रीनशॉट। उसके बाद में बढ़ते हैं आगे, कोई और पॉइंट जो बचे हैं उनकी बात करते हैं। हाँ, उस्ता कला का विशेष तौर पे ध्यान रखना, उस्ता कला से क्वेश्चन पूछता है। अनूप सिंह जो है वो इस उस्ता कला को लेके आए थे, ले लिया स्क्रीनशॉट, तो मैं रफ कर देता हूं। ठीक है, बीकानेर के अंदर के ऊँट जो है वो ज़्यादा फेमस है पूरे विश्व के अंदर। आपको पता है कि इनके अंदर इतनी वो नहीं है, लेकिन बोझ ढोने की दृष्टि से, वेट उठाने की दृष्टि से बीकानेर के ऊँट जो है वो सब सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। एक तो होता है सवारी के लिए, अब भाई आपको सवारी करनी है तो सवारी के लिए आपको एक ऐसा ऊँट चाहिए जो मीडियम चाल के अंदर चल सके, ये ना हो कभी तेज़ दौड़े कभी कम दौड़े, तो पीछे बैठी सवारियाँ जो है, ठीक है, वो गड़बड़ा जाएगी। ठीक है, तो उनका तबीयत खराब हो जाएगी। कहने का मतलब ये, एक तो खटारा गाड़ी के अंदर सफ़र करो, एक पूरी लग्जरी गाड़ी के अंदर सफ़र करो, फर्क तो है ना भाई। तो सवारी के लिए वो ऊँट अच्छे होते हैं जो पूरी तरह से मीडियम चाल चलते हैं। ठीक है, तो सवारी के लिए तो मैंने बता दिया कौन से हैं, गोमट जोधपुर के, गोमट नस्ल जोधपुर की, ठीक है, फलोदी की। और सुंदर कौन से हैं, तो BSF जवान उनका यूज करते हैं। सुंदर ऊँट जो है वो कहाँ के, नाचना जैसलमेर के। अभी अपने बात करेंगे बोझ ढोने की दृष्टि से, अगर बोझ ढोना है, वजन उठाना है, तो बोझ ढोने की
दृष्टि से बोझा ढोने के लिए, बोझा बोझा ढोने के लिए, ढोने के लिए। तो बोझा ढोने के लिए बीकानेरी जो नस्ल है जो बीकानेर के अंदर ज़्यादा पाई जाती है, बीकानेरी, बीकानेरी ऊँट, बीकानेरी ऊँट जो होते हैं बोझा ढोने के लिए सब सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। ठीक है, दुनिया के अंदर लगभग ज़्यादातर जो ऊँट हैं, ज़्यादा ऊँट जो हैं वो कौन सी नस्ल के हैं, बीकानेरी नस्ल के हैं। ठीक है, ज़्यादा ऊँट कौन से हैं, बीकानेरी नस्ल के हैं। ठीक है, और ये क्या है, वजन ढोने की दृष्टि से ये सबसे भारी ऊँट भी कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, सबसे भारी ऊँट। ठीक है, सबसे भारी ऊँट यानी इनका वजन जो होता है वो ज़्यादा होता है, ये आपने बोल सकते हैं वजनी ऊँट। इनको क्या बोल सकते हैं, वजनी ऊँट भी बोल सकते हैं। बीकानेरी नस्ल के ऊँट जो होते हैं वो भारी ऊँट कहलाते हैं, इनका वजन जो होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, ये होगी। उसके बाद में अपने बात करते हैं कि ऊँटों के अंदर एक रोग फैला था, कुछ रोगों की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, उससे पहले एक और पॉइंट ध्यान में रख लेना कि अपने जो पाबू जी हैं ऊँटों के देवता से क्वेश्चन पूछ लेता है कि ऊँटों के देवता कौन है। तो ऊँटों के देवता, ऊँटों के देवता जो है वो किसको माना जाता है, ऊँटों के देवता, पाबू जी का आपने नाम सुना होगा, पाबू जी महाराज। ठीक है, पीर है ये भी, पाबू जी जो है वो क्या है, ऊँटा के, ऊँटों के देवता हैं। जब भी कोई रोग हो जाता है ऊँटों को, पुराने टाइम के अंदर जिस किसी के भी ऊँट के रोग हो गया तो ऊँटों के रोग के निवारण के लिए क्या किया जाता है, पाबू जी की फड़ का वाचन किया जाता है। क्या किया जाता है, पाबू जी की फड़ का वाचन करते हैं। ठीक है, पाबू जी की फड़ से पाबू जी को मनाया जाता है, उनको बजा के, उनका यंत्र है फड़। ठीक है, तो जिससे क्या होता है कि ऊँट के अंदर किसी प्रकार का कोई रोग हो रखा होता है तो वो ठीक हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में आपने अपने बात करते हैं रोग के बारे में। तो ऊँट के अंदर एक सर्वाधिक भयंकर बीमारी फैली थी जिसको आप बोलते हो सर्रा रोग। क्या बोलते हैं, सर्रा रोग। ठीक है, और यह सर्रा रोग के कारण दुनिया के अंदर क्या हुआ था, 70% दुनिया के अंदर ऊँटों की आबादी जो है वो क्या हो गई थी, कम हो गई थी। सर्रा रोग इतना भयंकर रोगों का, ऊँटों का रोग फैला था जिसके कारण पूरे विश्व के अंदर या अपने पूरे भारत या राजस्थान की बात करें तो उनकी 70% आबादी जो है वो ऊँटों की सर्रा रोग के कारण कम होगी। तो सर्रा रोग नियंत्रण अधिनियम बनाया गया। क्या बनाया गया, सर्रा रोग नियंत्रण, नियंत्रण, सर्रा रोग नियंत्रण क्या बनाया गया, अधिनियम बनाया गया, अधिनियम। और ये कब बनाया गया, तो 2010-11 में बनाया गया। कब बनाया गया, सर्रा रोग नियंत्रण अधिनियम कब बनाया गया, 2010-11 के अंदर बनाया गया। ये बात आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी है, कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से यहाँ से ऊँट के अंदर से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्रा रोग किस में होता है, तो ऊँटों में होता है। सर्रा रोग नियंत्रण अधिनियम कब बनाया गया, तो सर्रा रोग नियंत्रण अधिनियम बनाया गया कब, 2010-11 के अंदर। सबसे ज़्यादा भयंकर ऊँटों की बीमारी कौन सी थी, तो 70% ऊँट कम हुए थे, सर्रा रोग थे। उसके बाद में आपने एक और बात कर लेते हैं यहीं पे, यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेता है क्या, कि ऊँटों का क्या किया गया, बीमा किया गया। ठीक है, ऊँटों का क्या किया गया, बीमा किया गया। बीमा कंपनियों ने क्या किया, ऊँटों का बीमा करना स्टार्ट किया था, तो एक बीमा योजना भी बनाएगी ऊँटों के लिए। क्या बनाएगी, ऊँटों के लिए, ऊँटों के लिए क्या बनाया गया, बीमा योजना बनाएगी, बीमा योजना। ठीक है, और वो बीमा योजना कब बनाएगी उसका सन पूछा जाएगा, तो 2008 और 2009 के अंदर क्या बनाया गया, बीमा योजना बनाएगी। ठीक है, 2008-09 के अंदर बीमा योजना बनाएगी, जबकि 2010-11 के अंदर क्या गया, सर्रा रोग नियंत्रण अधिनियम जो है वो बनाया गया ताकि इस रोग को फैलने से आगे रोका जा सके। और ऊँटों का बीमा योजना कब बनाएगी, 2008-09 के अंदर, ये ध्यान में रखोगे। कौन से बनाएगी, भारतीय बीमा निगम जो है, भारतीय बीमा निगम, भारतीय बीमा निगम और कुछ जनरल इंश्योरेंस कंपनियां जो है उन्होंने मिलकर क्या किया, ये ऊँटों, ऊँट के लिए ऊँट बीमा योजना का गठन किया। और कब किया, 2008-09 के अंदर किया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जहाँ से क्वेश्चन जो है पूछ जाते हैं। उसके बाद में कुछ बात करेंगे ऊँटों की नस्लों की और कुछ अपने बात करेंगे किसकी, ऊँट के अंदर पहने जाने वाले पहनावों की। यहाँ से भी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो एक बार इसका ले लो स्क्रीनशॉट। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं ऊँटों के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में और जो अपने से रह गई। एक और पॉइंट और ध्यान में रख लेना यहीं पे कि ऊँटों के राजस्थान के अंदर ऊँटों को पालने वाली, राजस्थान के अंदर, राजस्थान में ऊँट पालने वाले, ऊँट पालने पालने वाली जाति जो है वो कौन सी है, रायका व रेबारी है। यहाँ से क्वेश्चन भी आता है, रायका व रेबारी। राजस्थान के अंदर ऊँटों को पालने वाली जो प्रजाति है वो कौन सी है,
मनुष्य अपने मानव की रायका वे रेबारी। वही बात करें विश्व के अंदर कौन सी फेमस है, तो विश्व के अंदर जो जाति फेमस है वो है बद्दू, बद्दू करके एक प्रजाति है, ठीक है। वो बद्दू जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, अरब मरुस्थल के अंदर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, अरब मरुस्थल में, मरुस्थल, अरब मरुस्थल के अंदर बद्दू जाति पाई जाती है, जो पूरे विश्व के अंदर ऊँटों को पालने के लिए फेमस है। जबकि राजस्थान के अंदर ऊँटों को पालने के लिए फेमस प्रजाति कौन सी है, रायका वे रेबारी। अब ले लो इसका स्क्रीनशॉट। बात करेंगे ऊँट के पहनावों की, कि ऊँट के अंदर कौन कौन से पहनावे जो है ऊँटों को पहनाए जाते हैं, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट। ऊँटों के पहनावों की बात करते हैं, ये राजस्थान का राज्य पशु है, ठीक है। तो इसके बारे में पूरी अपने को डिटेल पता होनी चाहिए कि ऊँट जो है वो क्या क्या किस किस दायरे से अपने लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो बात करते हैं पहला पॉइंट, पहनावों के पहले कुछ पॉइंट ध्यान में रख लेने। जैसे मैंने अभी बात की थी गंगा सिंह जो थे, अपने राजा थे बीकानेर के, महाराजा गंगा सिंह, महाराजा गंगा सिंह जो थे, महाराजा गंगा सिंह ने क्या किया था, ऊँटों की सेना भेजी थी और सेना कहाँ भेजी थी, चीन के अंदर भेजी थी। महाराजा गंगा सिंह ने ऊँटों की सेना भेजी थी चीन के अंदर, जिसको क्या बोला गया था गंगा रिसाला के नाम से जाना गया। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महाराजा गंगा सिंह बीकानेर के जो राजा थे, महाराजा गंगा सिंह, उन्होंने क्या किया था कि चीन के अंदर ऊँटों की एक सेना भेजी थी, उस सेना को किस नाम से जाना गया था, गंगा रिसाला के नाम से जाना गया। ये बात आपको ध्यान रखनी। उसके बाद में बात करते हैं ऊँटों के कुछ पहनावों के बारे में, और पॉइंट जो रह गए हैं वो लास्ट में अपने देख लेंगे, ठीक है। पहनावे के अंदर क्या ध्यान रखना है कि गोरबंद पूछा जाता है, ठीक है। तो गोरबंद क्या है, एक गोरबंद से क्वेश्चन आता है, ठीक है। गोरबंद क्या है, आपने गाना भी सुना होगा, मारो गोरबंद नखराड़ो, ठीक है। तो वो गोरबंद गाना जो है वो किसके संदर्भ में गाया गया है, या गोरबंद क्या है, तो ऊँट के गर्दन के अंदर या गर्दन में पहने जाने वाला क्या कहलाएगा आभूषण। अरे भाई ऊँट भी आभूषण पहनते हैं, आप लोगों को पता है क्या, ऊँट भी क्या करते हैं, आभूषण पहनते हैं। तो गोरबंद क्या है, ऊँट के गर्दन के अंदर पहने जाने वाले आभूषण को क्या बोलते हैं, गोरबंद बोलते हैं, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान में रख लेना, यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है गिरेबाण, ठीक है। गिरेबाण का ध्यान रखोगे, गिरेबाण क्या है कि आपने देखा होगा ऊँट जो होता है उसके नाक के अंदर एक इस प्रकार, जैसे ये मार्कर है, इस प्रकार की लकड़ी सी डिजाइन करके डाली हुई होती है। ऊँट की नाक के अंदर एक लकड़ी की डिजाइन करके संरचना डाली जाती है, जिसको गिरबाण बोलते हैं। तो ऊँट की नाक में लकड़ी जैसी संरचना क्या कहलाती है, गिरबाण कहलाती है। ऊँट की नाक के अंदर लकड़ी डाली जाती है, लकड़ी की संरचना बना के डाली जाती है, उसको अपने गिरबाण बोलते हैं। और गोरबंद क्या है, ऊँट की गर्दन के अंदर पहने जाने वाले पहनावों को क्या बोलेंगे, गोरबंद। और गिरबाण क्या है, नाक के अंदर डाले जाने वाली लकड़ी, ठीक है। उसके बाद में काठी के भी कुछ पूछ रहता है, काठी कहाँ पर होती है, ठीक है। तो काठी क्या है, काठी पहनी जाती है ऊँट के पीठ के ऊपर। आपको पता ही है ऊँट के ऊपर जो रखते हैं, ऊँट के पीछे जो गाड़ी वगैरह जो बनाई होती है उसके पीछे वो उसको लादने के लिए रखते हैं, तो उसके ऊपर काठी रखी जाती है पहले, तो वो कहाँ पे पहनी जाती है, ऊँट के पीठ के ऊपर पहनी जाती है, ठीक है। ये बात होगी ऊँट के कुछ पहने जाने वाले पहनावों की। उसके बाद में ऊँट के बालों से बनाए गए कपड़े जो हैं वो क्या कहलाते हैं, ऊँट के बालों या अपने क्या बोल सकते हैं, ऊँट की ऊन या ऊँट के बालों से बनाए गए कपड़े क्या कहलाते हैं, इनको बोलते हैं बाखला। क्या बोलते हैं, बाखला बोलते हैं,
ऊंट के बालों से या ऊंट की ऊन से जो वस्त्र बनाए जाते हैं, गर्म वस्त्र बनाए जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? बाखला बोलते हैं। ठीक है, बाखला, या इसको क्या बोलेंगे? हाँ, बाखला बोलेंगे। ऊंट के बाल बोल देना, चाहे ऊंट ऊंट के ऊन बोल देना। ठीक है, तो ले लो इसका स्क्रीनशॉट, ले लो एक बार, बात करेंगे आगे। नेक्स्ट, ठीक है भाई, अब क्या होता था पहले टाइम के अंदर, ये जो वाटर कूलर आज चले हैं, एसी चले हैं, फ्रिज चले हैं, ये पहले के टाइम में नहीं होता था। और राजस्थान पूरा मरुस्थल एरिया है, अब जाके फिर भी ये नहर आई है, इंदिरा गांधी आई है, गंगकनाल नहर आई है, तो जाके थोड़ी बहुत ज़मीनें जो है उपजाऊ हुई है। तो पहले क्या होता था, राजस्थान के अंदर गर्मी बहुत होती थी, जैसे ही ऊँट की डेथ होती थी तो ऊँट की चमड़ी से क्या बनाया जाता था, ऊँट की चमड़ी से पानी पीने के लिए क्या किया जाता था, एक बर्तन बनाया जाता था। किसकी चमड़ी से? ऊँट पड़ रहे हैं, तो ऊँट की चमड़ी से, ऊंट की चमड़ी से पानी के लिए क्या बनाए जाते हैं? बर्तन बनाए जाते हैं। और उस बर्तन को क्या बोलते हैं? कॉफी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? कॉफी। ठीक है, कॉफी नहीं है अभी, ये कॉफी है। ठीक है, कॉफी क्या है? ऊंट की चमड़ी से बर्तन बनाया जाता है पानी को ठंडा रखने के लिए, उसको अपने क्या बोलते हैं? कॉफी बोलते हैं। ठीक है, और ध्यान में क्या रखना है ऊंट के बारे में, एक होता है परचनी। ठीक है, परचनी, परचनी कहाँ पहनी जाती है? तो परचनी पहनी जाती है ऊँट की पूँछ में, ऊँट की जो पूँछ होती है, ऊँट की पूँछ के अंदर क्या पहनी जाती है? परचनी पहनी जाती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखोगे। और क्या है? मोरखा, मोरखे से भी क्वेश्चन आता है, मोरखा क्या होता है? मोरखा क्या होता है? ऊँट के मुख में पहना जाता है। आपने देखा होगा मुख पर पहना हुआ एक जाली जैसी संरचना होती है, जिसको अपने क्या बोलते हैं? मोरखा बोलते हैं। ठीक है, मोरखा और परचनी ध्यान में रख लेना। परचनी से क्वेश्चन आता है कि परचनी क्या है? पूंछ के ऊपर पहनी जाती है। मोरखा कहाँ पे पहना जाता है? मुख पर पहना जाता है। जबकि ऊंट की चमड़ी से बने हुए बर्तन क्या कहलाते हैं? कॉफी कहलाते हैं। ऊंट की ऊन या ऊंट के बाल से बने हुए वस्त्र जो है वो क्या कहलाते हैं? बाखला कहलाते हैं। तो ये कुछ ऊंट के लिए इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में अपने बात करेंगे ऊंट की नस्लों की, ऊंट की नस्लों की बात करेंगे। ठीक है, तो ऊंट की नस्लें कौन कौन सी है, नस्लें की बात करें, नस्लें, कुछ इंपॉर्टेंट नस्लें। सबसे फेमस नस्ल जो है वो गोमट। ठीक है, मैंने बताया गोमट जो है वो सवारी ढोने के लिए फलौदी की फेमस नस्ल है। उसके बाद है बीकानेरी, फिर है जैसलमेरी, अगली कौन सी है, जैसलमेरी के बाद में अलवरी। ठीक है, तो इस प्रकार की ये कुछ फेमस नस्लें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। और ऊँट से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन जो है आपके बाहर नहीं जाएगा, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो ले लो इसका स्क्रीनशॉट, नेक्स्ट क्लास के अंदर कुछ और बातें करेंगे नए राजस्थान के, कुछ चिन्ह की या पुष्प की या वृक्ष की, किसी की भी नया टॉपिक लेके आएंगे आपके सामने। तो कैसी लगी आपको क्लास, कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सभी को।